आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को एक और नाम से जाना जाता है, पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव। दोनों नाम से आप याद रखिए, आपको कहीं पे भी पूछा भी जा सकता है कि पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव क्या होता है, तो पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों एक ही है, दोनों नाम एक ही होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस चलिए पढ़ते हैं आज। इससे पहले अगर आपने टेंस के पिछले वीडियो को नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की आईडी से। पास्ट परफेक्ट टेंस की आईडी क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की आईडी होती है भर प्लस या था, यी थी, ये थे, दो आईडी होंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये भी होगा। तो ये या था, यी थी, ये थे या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। यानी कि कोई काम है जो कि पास्ट में हो चुका था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा भीतरी ही लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, और हैड सबके साथ लगेगा, ये तो आपको पता ही होगा। जो भी सब्जेक्ट हो आप सबके साथ हैड यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझाती हूँ, वह चला गया था, वह चला गया था यानी पास्ट में चला गया था, तो इसे हम बनाएंगे वह का ही के साथ हैड, ही हैड चला गया था। गया यानी जाना का गो होता है, गो का भीतरी गॉन होता है, तो ही हैड गॉन, वह चला गया था। एक और एग्जांपल लेती हूँ, वह सो चुका था, ये दूसरी आईडी पे चुका था, ये वह सो चुका था, फ्यूचर में वह सो चुका था। ही हैड स्लेप्ट, स्लीप का भीतरी स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। इस पे बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको बनाने हैं। अभी मैं आपको इसके 6 सेंटेंस और बनाकर बताऊंगी, यानी कि 6 सेंटेंस क्या इसके नेगेटिव, ये अफर्मेटिव थी, इसके नेगेटिव बनाकर बताऊंगी, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव, डब्ल्यू एच अफर्मेटिव एंड डब्ल्यू एच नेगेटिव, सारे में कैसे आप इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे और कैसे इसका एग्जांपल को यूज़ करेंगे, सारे में आज आपको बताऊंगी। तो इसके नेगेटिव को बनाते हैं, इसके नेगेटिव में सिर्फ आपको नॉट जोड़ देना है। इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होंगे, वह नहीं गया था, वह नहीं गया था, ये सब डेली यूजेस सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये सारे आईडी, ये स्ट्रक्चर को याद रखना है तभी आप स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं। वह नहीं गया था, वह नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं गया था। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगी? इंट्रोगेटिव में फ्रेंड्स सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, और एक बात, इसमें क्वेश्चन मार्क परफेक्टली लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है कौन? हैड। तो यहाँ पे ये क्या से शुरू होता है? क्या वह सो चुका था, क्या वह सो चुका था, तो हैड ही स्लेप्ट क्वेश्चन मार्क, हैड ही स्लेप्ट, क्या वह सो चुका था। इंटरनेगेटिव भी ऐसे ही आपको बनाना है, सिर्फ इसमें नॉट जोड़ देना है। क्या वह नहीं गया था, क्या वह नहीं गया था, हैड ही नॉट गॉन क्वेश्चन मार्क, हैड ही नॉट गॉन, क्या वह नहीं गया था, ये इंटरनेगेटिव हुआ, इंटरनेगेटिव। अब डब्ल्यू एच अफर्मेटिव की बात करते हैं, डब्ल्यू एच अफर्मेटिव इसकी बनाएंगे हम। तो डब्ल्यू एच अफर्मेटिव क्या होती है? जैसे कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट जो होती है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, ये सारे डब्ल्यू एच फैमिलीज़ हो गए। डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में अगर आपको नहीं पता, पूरी डिफिनेशन आपको चाहिए हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सारा डिफिनेशन मिल जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता हो जाएगा। तो डब्ल्यू एच अफर्मेटिव यानी कि इसमें क्यों, वह क्यों गया था, वह क्यों गया था, वाई हैड ही गॉन, वह क्यों गया था क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा।
इंटरनेगेटिव भी ऐसे ही बना लेंगे, सिर्फ इसमें आपको नहीं जोड़ देना है। वह क्यों नहीं गया था, वह क्यों नहीं गया था, तो वाई, क्यों का वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वाई हैड ही नॉट गॉन क्वेश्चन मार्क, वह क्यों नहीं गया था। इस सारे पे आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव, WH अफर्मेटिव, WH निगेटिव, सारे पे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर बनाने हैं, तभी आपको क्लियर हो जाएगी और आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, रिटन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सारे को बनाना है फ्रेंड्स और अपने स्पोकन में यूज़ करना है। पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, आपका टेंस कमज़ोर है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप टेंस जाके पढ़ सकते हो, मैं लिंक सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट भी चाहिए हो, टेंस पूरे टेंस का नोट चाहिए हो, तो नोट का भी लिंक मैं दे दूँगी, आप नोट को भी डाउनलोड कर सकते हो, सारा नोट को आप कंप्लीट करके इजीली पढ़ सकते हैं। अपने ग्रामर से रिलेटेड, स्पोकन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं देती ही रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।